शालोम, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर से एक और बार धन्यवाद। कल हमने सीखा था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पाने के कारण। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के कदम क्या हैं। कल हमने ना पाने के कदम देखे थे, आज हम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के कदमों को देखेंगे या फिर कारणों को देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है प्रेरितों के काम 2:38 हम देखेंगे, जिसमें लिखा है पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो बाइबल यहां पर यह कहती है कि यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं या पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। यीशु पर विश्वास ही आपको पवित्र आत्मा का दान देती है, कर्मों के कारण नहीं, प्रयत्न करने से नहीं, परिश्रम करने से नहीं, वरन पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह को अपना जीवन देने से मिलता है। जैसे यीशु ने अपना जीवन हमें दिया, यदि हम भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का दान देते हैं। दूसरा रीजन, हमें आज्ञाकारी बनना है। प्रेरित 5:32 में लिखा है और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। कहने का मतलब सबको नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जिनका जीवन आज्ञाकारिता के लिए है, आज्ञाकारिता में है, जो लोग समाज नहीं देखते, सोसाइटी नहीं देखते, अपनी इज्जत नहीं देखते, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए निंदित होते हैं, झूठा आरोप उन पर लगाया जाता है, फिर भी वो सहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा ऐसे लोगों को देता है जो परमेश्वर के वचन के लिए, आज्ञा मानने के लिए, अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा उनको देते हैं। तीसरा रीजन, जो लोग डांट सुनते हैं, नीति वचन 1:23 तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। वचन कहता है यदि हम डांट सुनने वाले हैं, वचन की डांट सुनने वाले हैं, तो प्रभु अपनी आत्मा देगा। जो परमेश्वर की डांट को सुनता है, जो जलाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, अपने अपनी परेशानी से थकता नहीं, चिंता में, डिप्रेशन में नहीं चला जाता, परंतु जो परमेश्वर की डांट सुनता है, वचन की डांट को स्वीकार करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी आत्मा देता है। उसके बाद जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, यूहन्ना 7:37-39 फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचे थे। बाइबल कहता है यदि कोई प्यासा है, यदि आपके जीवन में भूख और प्यास नहीं है, विशेषकर यदि आप पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की भूख और प्यास आपके जीवन में होनी चाहिए। जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो प्यासा है पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से तृप्त करते हैं। उसके बाद मत्ती 5 में लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा का दान वरदान पाने के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु आपको तृप्त करेगा, लेकिन आपके अंदर भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। बाइबल कहता है लूका 11:13 में अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी बस्ती देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमारा जीवन निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, हारने वाला नहीं। लूका 18:1 में लिखा हुआ है नित्य प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, हर दिन प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, मतलब निडर होकर प्रार्थना करना है, शक नहीं करना, संदेह नहीं करना,
वरन निडर होकर प्रार्थना करना है, मांगना है। डीजीएस दिनाकरन ने प्रार्थना किया 7 सालों तक, और 7 साल तक प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। अंत में उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, या तो मेरे प्राण को ले ले या तो मुझे पवित्र आत्मा दे। और 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको याद दिलाया और यह भी कहा कि तूने 7 सालों तक जो प्रार्थना किया वो प्रेयर लिस्ट डीजीएस दिनाकरन को प्रभु यीशु मसीह ने दिया और कहा, 7 सालों की प्रार्थना मैंने अनसुनी नहीं की, तेरी हर एक प्रार्थना को मैंने लिखा है। परमेश्वर आपकी हर दिन की प्रार्थना सुनता है। और 7 साल के बाद डीजीएस दिनाकरन को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और आग से परिपूर्ण किया। हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु आपको अपनी आत्मा देगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हमारे जीवन में भूख और प्यास होनी चाहिए, जो हमने देखा। बाइबल कहता है ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। प्रेरित 6:4 में लिखा गया है, हम निरंतर वचन और प्रार्थना में लगे रहें। यदि हम निरंतर वचन और प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु अपनी आत्मा हमें देगा। आज बहुत से लोग विश्वास करने के बाद अपनी जिंदगी जैसे मर्जी वैसे बिताते हैं, मतलब सांसारिक जीवन जीते हैं। तो सांसारिक जीवन जीने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा को शोकित करने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है, पवित्र आत्मा के विरोध में चलने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है। यदि आप पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं तो आपके अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, डांट सुनने वाले होने चाहिए, निरंतर प्रार्थना करने वाले होने चाहिए और आज्ञा मानने वाले होने चाहिए। प्रभु अपनी आत्मा आपको देगा, वो दूर नहीं है। सर्वप्रथम जब पवित्र आत्मा उतरा था, चेले पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, उसके 10 दिन के बाद, 10 दिन में पवित्र आत्मा उतरा था। पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है और वो आपका इंतजार कर रहा है। जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था तो चेले इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब समय है कि पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है कि आप आज्ञाकारी बने, जीवन देने वाले आज्ञाकारी, प्राण देने वाले आज्ञाकारी बने। प्रभु अपनी आत्मा आपको देना चाहता है, इसलिए निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु अपनी आत्मा आपको देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, प्रभु तेरी आत्मा उंडेल दे उनके जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें पवित्र आत्मा पाने की भूख और प्यास दे, धार्मिकता की भूख और प्यास दे, वचन की भूख और प्यास दे, प्रार्थना की भूख और प्यास दे, ताकि उनका जीवन विजयी हो। हालेलुया। विजयी जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीने के लिए, जैसा प्रेतों के काम में लोग जीवन जीते थे, वैसा प्रार्थना का जीवन जीने के लिए प्रभु तेरी आत्मा उंडेल दे, प्रभु तेरी आत्मा उंडेल दे, ताकि वे दिन और रात वचन और प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु नासरी के नाम से आमेन। सो प्रभु आपको फिर से कुर्बान आशीष दे। यदि आपको कोई सवाल है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई प्रार्थना का विषय वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं, हम आपके लिए पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे। कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या प्रार्थना का विषय है तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो हर रात 10:30 बजे जो एक क्लास होता है, विशेषकर पवित्र आत्मा के विषय में, गूगल मीट भी होता है। गूगल मीट खत्म करने के बाद मैं लाइव आता हूँ और जितना भी होगा मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में सिखाऊंगा। यदि कोई सवाल है तो जरूर आप मुझे पूछिए। सो प्रभु आपको फिर से एक बार आशीष दें।